हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 12th ऑफ अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। एंड सेकेंड, इट ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशन ऑन 1st of January 1945 अंडर द मराकेश अग्रीमेंट। थर्ड, आफ्टर WTO केम इन टू एग्जिस्टेंस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ सीज्ड टू एग्जिट। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं, WTO एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 एंड इट रिप्लेस्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स विच वॉज इन प्लेस सिंस 1946। सो WTO ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन January 1, 1995 अंडर द मराकेश अग्रीमेंट साइंड बाई 123 नेशंस ऑन 15th of April 1994। सो इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ GATT सिंस 1948, हेंस इट वॉज अ पार्टी टू उरुग्वे राउंड एंड अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। व्हाइल WTO केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1995, गेट डिड नॉट सीज टू एग्जिस्ट एंड इट कंटिन्यूज एज WTO's अम्ब्रेला ट्रीटी फॉर ट्रेड इन गुड्स। सो WTO के बारे में देखा, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड वेयर इट इज लोकेटेड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस संगठन ने स्थापित की है और ये कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, टाटा पावर इन गुजरात, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इन छत्तीसगढ़, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन लद्दाख, या फिर नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो भारत में पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है ये शुरू किया जा रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा और ये लद्दाख में किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पुगा विलेज ऑफ लद्दाख एंड दिस पायनियरिंग प्रोजेक्ट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज जियोथर्मल एनर्जी सेक्टर। सो ONGC बींग इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी हैज लेवर्ज इट्स एक्सपर्टीज इन ड्रिलिंग एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन टू वेंचर इन टू जियोथर्मल एनर्जी। द चॉइस ऑफ लद्दाख फॉर दिस प्रोजेक्ट इज स्ट्रेटेजिक एज द रीजन हैज सिग्निफिकेंट जियोथर्मल पोटेंशियल ड्यू टू इट्स जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इनिशिएटिव नॉट ओनली डिमॉन्स्ट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू डाइवर्सिफाइंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो बट ऑल्सो शोकेसेस द पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल एनर्जी इन रिमोट एंड चैलेंजिंग टेरेन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। यहाँ पर भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे संबंधित कुछ घटक हैं जो यहाँ दिए गए हैं और उन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। आपसे पूछा जा रहा है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें इनमें से कितने ऐसे घटक हैं जो शामिल किए जाते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो चारों ही ये इसमें शामिल किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स आर यूटिलाइज्ड फॉर इंटरवेंशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज द इंडियन रूपी अगेंस्ट वॉलेटिलिटी। सो इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हैव सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर द ईयर्स ड्रिवन बाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रेमिटांसेस एंड प्रूडेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट। सो द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स आर क्रूशियल फॉर सपोर्टिंग इंडियाज करेंसी इंश्योरिंग लिक्विडिटी एंड मैनेजिंग एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस। सो आपने देखा कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है उसमें शामिल किया जाता है फॉरेन करेंसी असेट्स गोल्ड रिजर्व्स SDR इसके साथ ही रिजर्व पोजीशन विद द IMF। एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो दे आर द एसेट्स हेल्ड ऑन रिजर्व बाय अ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज जिनमें शामिल हो सकता है बॉन्ड ट्रेजरी बिल एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राजस्व खुफिया निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप यहाँ देख सकते हैं द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज द एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो इट इज टास्क्ड विद डिटेक्टिंग एंड कर्विंग स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्रोबैंड इंक्लूडिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलिसिट इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव आइटम्स एज वेल एज कॉम्बैटिंग कॉमर्शियल फ्रॉड्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इवेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है ये इंडिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है इन्वेस्टिगेट करती है ट्रेड से या ट्रैफिकिंग जो होती है ड्रग ट्रैफिकिंग इनसे रिलेटेड मैटर्स को। इसको फॉर्म किया गया था 1957 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं M.K. सिंह। बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर कॉफी बोर्ड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड थर्ड द हेड ऑफिस ऑफ द कॉफी बोर्ड इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है भारतीय कॉफी बोर्ड से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो थर्ड स्टेटमेंट ये आपका इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं द हेड ऑफिस ऑफ द कॉफी बोर्ड इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु कर्नाटका एंड दिस बोर्ड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग एंड कल्टीवेशन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द कॉफी इन इंडिया सपोर्टिंग बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल कॉफी ग्रोअर्स।
So this board also focuses on research and development to improve the quality of Indian coffee, enhancing its competitiveness in global markets. It provides technical and financial assistance to coffee growers, helping them adopt modern cultivation techniques and increase productivity. So कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको establish किया गया था 1942 में, और आपने देखा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कोलकाता में। वर्तमान समय में कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मिस्टर एमजे दिनेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टीम रिसीव्ड द विज्ञान टीम अवार्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज स्पेस प्रोग्राम? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए किस टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं टीम मंगलयान, टीम गगनयान, टीम चंद्रयान टू या फिर टीम चंद्रयान थ्री। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो विज्ञान टीम अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है टीम चंद्रयान थ्री को। आप यहाँ देख सकते हैं टीम चंद्रयान थ्री वॉज रिकॉग्नाइज विद द विज्ञान टीम अवार्ड एंड दिस अवार्ड वॉज फॉर देयर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया स्पेस प्रोग्राम। द टीम वॉज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर द सक्सेसफुल मून लैंडिंग मिशन। सो द अवार्ड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेबरेटिव रिसर्च इन मॉडर्न साइंटिफिक एंडेवर्स। The Rashtriya Vigyan Puraskars include a team award category to promote and recognize collaborative scientific research. आपने देखा होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई है और इसको प्रदान किया जाएगा 23rd of August को, क्योंकि उस दिन हम National Space Day celebrate करते हैं। और आप ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रीय विज्ञान टीम्स अवार्ड है उसमें सम्मानित किया गया है टीम चंद्रयान थ्री को। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।